बच्चों, आज की वीडियो में हम नामा बाप शुरू करने वाले हैं। मेरा स्कूल शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम सीमा है, ये मेरा स्कूल है। मुझे मेरा स्कूल बहुत पसंद है। तमाम उसातजा प्यार से पढ़ाते हैं। मेरे बहुत से दोस्त भी हैं। हम मिलकर पढ़ते हैं। वक्फे के दौरान हम मिलकर खेलते हैं और घंटी की आवाज़ सुनते ही अपना कमरा जमात में वापस चले जाते हैं। उत्साहजा के अलावा भी कुछ लोग स्कूल में काम करते हैं। माली पौधों को पानी देते हैं। खाकरोग स्कूल की सफाई करते हैं, जबकि स्कूल के दफ्तर में लोग मुख्तलिफ काम करते हैं। यहाँ पर एक लड़की सीमा है जो अपने स्कूल के बारे में बता रही है और वो ये कह रही है कि उसे उसका स्कूल काफ़ी पसंद है। जो उस्तादा हैं उनके पढ़ाने का तरीका भी अच्छा है और वहाँ पर इसके दोस्त भी हैं, मिलजुल कर पढ़ते हैं और साथ में खेलते भी हैं। लेकिन जब पढ़ाई का वक्त होता है तब पढ़ाई करते हैं और वापस कमरा जमात में आ जाते हैं। माली अपना काम करता है, इसी तरह सब लोग अपना अपना काम करते हैं। अब यहाँ पर ये जो सरगर्मी है इसको फिल करते हैं। मेरे स्कूल का नाम डैश है। अब यहाँ पर सब बच्चे अपने अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। हर बच्चा जो मुझे देख रहा है, वीडियो को सुन रहा है, वो अपने अपने स्कूल में पढ़ता होगा और स्कूल का नाम होगा, ठीक है। सब बच्चे अपने अपने स्कूल का नाम लिखेंगे यहाँ पर इस जगह पे। उसके बाद मेरा स्कूल डैश में है, यानी आपका स्कूल किस शहर में है। सब बच्चे उस शहर का नाम लिखेंगे जहाँ पर आपका स्कूल है। मेरे क्लास उस्ताद उस्ताने का नाम डैश है। अब कुछ बच्चे होंगे जिनको सर पढ़ाते होंगे और कुछ होंगे जिनको टीचर पढ़ाती होगी फीमेल, तो सब अपने अपने उस्ताद का नाम यहाँ पर लिखेंगे। मेरे स्कूल के हेडमास्टर का नाम, अगर आपके स्कूल का प्रिंसिपल मेल है या फीमेल है, आपने उसका नाम यहाँ पर लिखना है। तो ये सब बच्चे यहाँ पर अपने अपने स्कूल के नाम के मुताबिक लिखेंगे। हमारी हेडमास्टर, हेडमास्टरेस स्कूल के तमाम कामों की निगरानी करती है। अगर वो लड़का है तो करता है, लड़की है तो करती है। वो हमारी क्लास में भी आते हैं और हमें स्कूल के कवानीन के बारे में भी बताते हैं। ये तमाम कवानीन हमारे फ़ायदे के लिए हैं। कवानीन पर अमल करने से हम बहुत ही मुश्किलात से बच जाते हैं। क्या आप अपने स्कूल के कवानीन से आगाह हैं? मैं आपको अपने स्कूल के चंद कवानीन के बारे में बताती हूँ। साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म पहनना, वक्त पर स्कूल आना, असम्बली में कितार बनाना, कमरा जमात और स्कूल को साफ सुथरा रखना, कमरा जमात में इजाज़त लेकर बात करना, बग़ैर इजाज़त किसी की कोई चीज़ ना लेना। ये तमाम ऐसे उसूल हैं जो हर स्कूल का ही हिस्सा होते हैं। इन सब का आपने भी ख्याल रखना है। अपने स्कूल में यूनिफॉर्म साफ़ पहनना है, वक्त पर जाना है, असम्बली में भी कितार बनानी है, साफ़ सुथरा रखना है ख़ुद को, कमरा जमात में जाते हुए भी इजाज़त लेनी है और बाहर आते हुए भी, और किसी की चीज़ नहीं लेनी, क्योंकि कवानीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैं दिखाऊँगी दोस्त। प्यारे दोस्तों, स्कूल में मेरे बहुत से दोस्त हैं जो मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं। उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से है। एक गैर मुल्की बच्चा भी मेरा दोस्त है। हम सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं और मदद भी करते हैं। अब जब स्कूल में काफ़ी सारे लोग होते हैं तो वो मुख्तलिफ घरों से आए होते हैं। हर घर में सब अपनी अपनी ज़ुबान बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो घर में उर्दू बोलते हैं, कुछ सराइकी बोलते हैं, कुछ पंजाबी बोलते हैं, कुछ पश्तो। इसी तरह से बहुत सारी ज़ुबानों वाले बच्चे स्कूल में आते हैं। अब वो जो बच्चे होते हैं उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से और इलाकों से होता है।
मतलब लाजमी नहीं है कि सब एक ही इलाके से हों, मुख्तलिफ इलाकों से बच्चे आते हैं। और यहाँ तक कि इस बच्चे ने जो बताया है तो उसके स्कूल में एक गैर मुल्की बच्चा भी है जो उसका दोस्त है, और वो भी आता है, और सब बच्चे एक दूसरे के साथ इज्जत करते हैं और मदद भी। अब यहाँ पर यह भी बताया है कि बेशक कोई भी बच्चा किसी भी ज़ुबान से, किसी भी इलाके से है, इस मुल्क का है या किसी दूसरे मुल्क का, हमें सबकी इज्जत करनी है और सबके काम भी आना है, किसी के साथ फ़र्क नहीं करना। अब जो आपकी सरगर्मी है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने यहाँ पर क्या करना है। आप और आपके स्कूल के दोस्त घर में कौन सी ज़ुबान बोलते हैं? अब स्कूल में तो आप सब दोस्त सब जो है मिलके उर्दू में ही बात करते हैं और उर्दू ही बोलते हैं। अब यहाँ पर आपके सब बच्चों ने जो बताना है वो ये है कि आप सब घर में किस किस ज़ुबान में बात करते हैं, आप भी और आपके दोस्त भी। अपना अपना नाम लिखना है और फिर बताना है हम घर में ये ज़ुबान बोलते हैं, फिर अपने दोस्त का नाम लिखना है, फिर बताना है हम घर में ये ज़ुबान बोलते हैं, और फिर दूसरे दोस्त का, इसी तरह आप जितने भी दोस्त हैं सबका। अगला सवाल ये है, आप स्कूल और कमरा जमात को साफ रखने के लिए दूसरों की मदद कैसे करते हैं? तो इसका जवाब आपने ये देना है, जब हम कुछ खाते हैं तो क्लासरूम में बैठकर, यानी कमरा जमात में बैठकर नहीं खाते, और जो कचरा होता है उसको डस्टबिन में डालते हैं, कूड़ादान में डालते हैं, क्लास में नहीं डालते। और इसके साथ ही हम अपने यूनिफॉर्म को भी साफ रखते हैं, और क्लास में जो कमरा जमात में जो चार्ट लगे होते हैं उनकी भी सफाई करते हैं, अपना जो वाइट बोर्ड होता है उसकी सफाई करते हैं, उसकी सफाई का ख्याल रखते हैं। ये सारी चीज़ें आपने बतानी हैं और एक दूसरे को भी इसकी तरगीब देते हैं। स्कूल के मुख्तलिफ कवानीन होते हैं, आप अपने स्कूल के चंद कवानीन के बारे में बातचीत करें। अब स्कूल, जिस तरह मैंने ऊपर वीडियो में बताया स्कूल के कवानीन में क्या क्या चीज़ें शामिल थी, कि क्लास में पूछ के आना है, कचरा नहीं फेंकना, साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म पहनना है, इस किस्म की सारी बातें, आप वो सारी भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा ख़ुद से अपने स्कूल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें भी लिख सकते हैं जो वहाँ पर नहीं लिखी हुई। तो ये हमारा आज का चैप्टर था जो हमने डिटेल से पढ़ लिया है। तो बच्चों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और इस किस्म की मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।